हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2017 का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे कि सवाल में भी दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत हमें सवाल सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सवाल लग जाए, लेकिन उससे पहले हम इसमें गेस करेंगे कि ए, बी और सी हमारा क्या। तो ए जो है हमारा 1 है, उसके बाद बी जो है हमारा वो -1 है, और बाकी जो कॉफिशेंट्स होते हैं वो हम लिखते ही हैं, -1 है। उसके बाद सी जो है हमारा -56 है। ये हमारी बन गई क्या है इसकी, तीनों ए बी सी हमारे निकल गए। उसके बाद हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर देंगे, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2/2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सवाल को सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी था हमारा, बी जो था हमारा -1 था, तो -1 ऐसे आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 जो हमारा बी था -1 माइनस की साइन भी आएगी फॉर्मूले के तहत। तो फोर ए जो है हमारा 1 है, और सी जो है हमारा -56 है, और हमारा 2 का 1 2 जो ए जो है हमारा 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये अभी हमने सॉल्व नहीं करा, इसको हम आखिर में सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, अगर हम 1 -1 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 1 ही आता है, उसके बाद माइनस की साइन आ जाएगी। उसके बाद 4 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो -2 to 4 आया। 2 to 4 आने के बाद अपॉन 2, जब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 ही आया। उसके बाद फिर -1 अभी ऐसे ही चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 to 5 अपॉन 2, और क्या आते हैं 2 to 5 का अंडर रूट 2 to 5 अपॉन 2, और 2 to 5 हमारा ऐसे ही निकला है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 2 to 5 बन जाएगा हमारा। 2 to 5 बनने के बाद 2 to 5 जो हमारा इसका रूट निकला है 15 निकला है, प्लस माइनस एलईडी आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 एलईडी आएगा। उसके बाद अपॉन 2 जो हमारा चलता हुआ आ रहा है वो एलईडी ही रहेगा। उसके बाद हम इसको इधर कर देंगे, मतलब कि हम इसको एक मतलब प्लस में सॉल्व करेंगे और एक मतलब हम माइनस में सॉल्व करेंगे। तो प्लस में सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 + 15 तो 16 हो जाएगा, तो फिर इसका 16/2 आ जाएगा। तो जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, 8 से मतलब कि 2 8 16 होता है, तो 8 आ जाएगा हमारा डिवाइड होने के बाद। और इधर माइनस का 14 आएगा क्योंकि बड़ी नंबर के साथ माइनस था, तो माइनस का 14 आ जाएगा। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 17 तो 14 से, तो हमारा 7 आंसर आएगा, माइनस का 7 तो हमारा माइनस का 7 आंसर। तो हमने इधर प्लस और माइनस दो मरता इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले के तहत प्लस और माइनस का, तो इसलिए हमने एक मरता प्लस में सॉल्व करा और एक मरता माइनस में सॉल्व करा। उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट बनाया। सोल्यूशन सेट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें फॉर्मूले में ही बोला गया, तो हमें क्या आते हैं क्वेश्चन में ही क्या आते हैं, ज़रूरी होता है कि इस अगर मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए इस तरीके से, तो हमारा सोल्यूशन सेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो क्या आते हैं दूसरी बात के जो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, और सोल्यूशन सेट जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये 1 नंबर की होती है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा 1 नंबर ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा, तो हमें लिखना ज़रूरी होता है। और -7 हमने पहले लिखा क्योंकि छोटा नंबर, उसके बाद 8 लिखा। अगर हम क्या आते हैं इस पूरी वैल्यू को, अगर हम किस वैल्यू का अगर क्या आते हैं कैलकुलेटर में डाल के चेक करें तो हमारा आंसर बिल्कुल यही आ रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूले, ये डाल के वैल्यू, ए जो हमारा 1 था और बी जो था हमारा -1 था और सी जो था हमारा -56 था, और देखिए क्या आते हैं 8 और -7, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 8 और -7। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।